हेलो डियर जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूर्य स्क्वायर ट्रिपल एसेंडिंग टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मूनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो इस सप्ताह के लिए आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि ये सप्ताह ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है। और लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आपका एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस सवाल का जवाब आपको एंजल की तरफ से मिलेगा। जो भी एंजल कहें, इस देव कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो जिसको भी आप मानते हैं वही आपके सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले 3 मैसेज या गाइडेंस निकालते हैं कि इस सप्ताह आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। आइए देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ए टाइम फॉर हीलिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यूनिवर्स ही आपको सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो फिलहाल का जो समय है किसी से कुछ लेने की बजाय किसी को कुछ देने का है। आप किसी को कुछ, किसी की, गरीबों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, कपड़े से, पैसे से या फिर फिजिकली, मेंटली, जैसे भी हो सके आपको उनकी मदद करने की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। कौवों को या पंछियों को दाना दीजिए, कुत्तों को दूध पिलाइए या फिर पानी पिलाइए, गरीबों को जो भी आप, जो भी सामने वाला मांग रहा है उतनी हेल्प मत कीजिए, लेकिन कुछ अंश, कुछ आप उनको दान दीजिए। खाने का दान कीजिए, पैसे का दान कीजिए, रोटी का दान कीजिए, जो कपड़े का दान कीजिए, जो भी दान आप कर सकते हैं वो आपको देने की ज़रूरत है। या फिर फिजिकली किसी की हेल्प, अगर कोई आपसे मदद मांगता है किसी काम के लिए तो वो उनकी मदद कीजिए। अभी जो समय है आपका मदद लेने का नहीं, मदद देने का है। तो अपने डर से बाहर निकलकर आपको, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे तो जो है आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी और अपने डर से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि डरिए मत, घबराइए मत, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने डर से बाहर निकलकर आगे बढ़िए ताकि आपको सफलता मिल सके। और अगर आप हील करते हैं अपने आप को तो जो आप हैं और जो आपका प्यार है जिसके लिए आप अपने आप को शायद कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर आप डरे हुए घबराए हुए हैं, आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपका प्यार सुरक्षित है। जिसे आप बहुत प्यार कर सकते हैं वो आपकी फैमिली हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है। तो जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके जिससे आप प्यार करते हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उन्हें तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए ताकि आप नेगेटिविटी को उससे खत्म, बाहर निकल सकें और आपके माइंड में पॉजिटिविटी आ सके। पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, डर से बाहर निकलेंगे तो आपको जो है फ़ायदा होगा। और आपका जो समय चल रहा है कुछ ना कुछ दान करने का है, किसी को दक्षिणा देने का है, किसी की हेल्प या मदद करने का है, किसी से हेल्प लेने का नहीं है। तो आपके अराउंड जो भी आपको लगता है कि उनको आपको मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद कीजिए। देखते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द
डेक आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो ट्रस्ट इश्यूज, जो विलय, भरोसा एक दूसरे पर नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं विलय और भरोसा बनता दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, उनकी मदद लेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो जो नेगेटिविटी है फ्यूचर को ब्राइट और सक्सेसफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, ये चीज़ें तो रिक्वायर्ड हैं ही। आपको हीलिंग मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो चुके हैं, या कुड भी जो हो सकता है कि आपके चक्रास ब्लॉक हो गई हैं, तो वो ब्लॉकेज खुलेंगे, अनब्लॉक्ड होंगे और वो काम करना शुरू करेंगे। और यूनिवर्स जो एंजल जी आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे, वो यही होगा कि आपका ये रिश्ता या फिर ये जो काम जिसके लिए आप इतने दिनों से परेशान थे, दुखी थे, वहाँ आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, वो काम आपका आगे बढ़ेगा, उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे करियर है, फाइनेंस है। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका जो है सफलता मिल सकती है। अगर फॉरेन में जाने का आपका सपना है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन के बाद आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स ही आपको आपके साथ हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, या आप खुद नेगेटिव हैं जिससे आप एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप सच्चाई के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, तो वहाँ यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वहाँ समय आपके साथ है, वक्त आपके साथ है, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी जो भी दिली तमन्ना है, जो विश है आपकी, वो पूरी होगी। लेकिन वही है कि आपको सच्चाई का साथ देना है, किसी के साथ धोखाधड़ी, हेराफेरी नहीं करनी है, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, ऐसे पर्सन से मदद लेनी है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो आपका जॉब में अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो वहाँ आपके जॉब मिलने के काफ़ी आसार हैं। और अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी शादी के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने पार्टनर के साथ अनबन चली हुई है, आप रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, तो वहाँ भी आपके रिश्तों में सुधार होगा, वहाँ भी एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपको मिलेगी, अगर आप किसी ऐसे पर्सन की मदद ले सकते हैं जो आपके लिए नॉन है, तो उनकी मदद से लेंगे तो आपके बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें मिलेंगी। और उस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, ये अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। तो देख लेते हैं, प्लीज़ आप अपने आंखें बंद कीजिए और जो भी आपका एक क्वेश्चन है, तीन बार अपने मन से दोहराइए, और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपने दोहराया है, उसका एंजल जी आपके लिए आंसर दे रहे हैं। और अगर आपके साथ ये आंसर फिट होता है, आप पर मैच होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है, मजबूती मिलती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आई होप जनरल है तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जिसके साथ रेजोनेट होता है, मैच होता है, प्लीज जरूर बताइएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इफ यू बिलीव, ट्रस्ट एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर ट्रस्ट, आपको एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यूनिवर्सिटी
आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं एंजल जी कि आप एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। अगर आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे किसी दूसरे पर और एक दूसरे के लिए जानकारी हासिल करेंगे, जो भी जानकारी है अभी आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी आधी अधूरी है। अभी आपको और जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ेंगी, एक दूसरे को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, कुछ किसी से मदद लेनी पड़ेगी। इसमें जो भी आपके अराउंड लोग हैं, जो भी रह रहे हैं, तो उनसे आपको आप मदद लीजिए, या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिस पर आपको आँख मूंद कर विश्वास है, उस पर भरोसा है, उसकी मदद लीजिए कि ये पर्सन आपकी मदद कर सकता है। तो उन लोगों की अगर आप मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे और विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे कि ये आपकी मदद कर सकते हैं, तो जानकारी आपको हासिल करनी है, एक दूसरे के बारे में जानना है, तब आप अगर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो रिज़ल्ट है यस में कन्वर्ट होता है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आपका आंसर यस में कन्वर्ट होगा, आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। जिसके साथ ये रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे मोटिवेशन और हेल्प मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।